गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बुआ के यहाँ शादी हो गई थी, मतलब विदाई वगैरह होने के बाद, मतलब एक दो घंटे में वहाँ पर रुकी, खाना वगैरह खाया, उसके बाद हम लोग चले आए थे। तो सबसे पहले हम लोग फतेहपुर गए थे, और मतलब फतेहपुर में भी मेरा घर है, तो सबसे पहले मैं वहाँ गई और फिर उसके बाद गाँव आ गई हूँ, इसीलिए शाम हो गई है। और मैं तो ये सोच के आई थी कि मैं रुकूँगी, लेकिन अब देखते हैं बाबू क्या करते हैं, क्योंकि बाबू अभी तो बहुत रो रहे हैं, मॉर्निंग तक देखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, हम घर आ चुके हैं, मतलब अपने मायके वाले काम वाले घर में हैं, और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। देखते हैं कि हम वापस कब जाते हैं, क्योंकि बाबू बहुत रो रहे हैं, हम तो वैसे रुकने के लिए आए थे। तो अभी होने लगी हम लोगों की बातें, क्योंकि हम लोग कल आए थे तो वैसे लेट भी आए थे, और रात में खाना पानी की वजह से बातें नहीं हो पाई थी। और अगर घर आओ और अगर दादी से बातें ही अच्छे से ना हो पाएँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अभी हम लोग बातें कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल मैं रात में आ गई थी, मतलब वही 6:30 बजे पहले फतेहपुर गई थी, फिर यहाँ आई तो थोड़ा लेट हो गई थी, और उसके बाद बाबू इतना रो रहे थे, लाइट भी नहीं थी, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। अभी आपको मैं बाहर चल के दिखाती हूँ कि यहाँ का व्यू कैसा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है गाँव में। गांव में आए हैं कलाबाज, मतलब पता नहीं कला वगैरह कुछ करते हैं, मतलब कलाबाजी सब लोग बोले, तो वही मैंने बोला है। तो अभी ये लोग शायद कुछ दिखाएंगे, मतलब करके दिखाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर तब तक रहती हूँ तो आपको दिखाऊंगी कि इन लोगों ने क्या किया है। और राहुल भाई, क्या बात है, कब आए तुम? और ये हमारा भाई राहुल है जो लखनऊ में रहता है, कल ही आया है स्पेशली हमसे मिलने के लिए, क्योंकि आज संडे था, और तो इसने सोचा कि हम दीदी से भी मिलेंगे, गांव गई हुई है, इसलिए तो आए हो ना। हाँ जी। तो बस अब हम सारे भाई बहन मिल चुके हैं, और मैं पूरा सामान भर के लाई थी, मतलब रुकने के लिए, लेकिन मेरे बाबू ने नहीं रुकने दिया। आई थिंक मतलब किसी के पास जा ही नहीं रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, तो मुझे वापस होना पड़ेगा। तो देखते हैं। अरे भैया अकेले है, नानू है। और ये रहा हमारे द्वारे का सुंदर सा दृश्य यार, ये देख के बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग में देख लो तो इतना अच्छा और फ्रेशनेस फील होती है, मैं क्या बताऊँ। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें दो कलर के फ्लावर हैं, एक रेड हैं और एक ऑरेंज हैं, तो ये काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। और दूसरी साइड में ये देखिए, इसके अंदर बहुत सारे पेड़ वगैरह लगे हैं, इसमें कमरख वगैरह लगी है, तो सांड वगैरह खा लेते हैं, इसलिए यहाँ पर ये साड़ी वगैरह बांध दी गई है। और इधर आ गए हैं कलाबाज, मतलब शहरों में आई थिंक इसको मैजिशियन वगैरह कुछ कहते हैं, बट हमारे गांव में कलाबाज कहते हैं, इसलिए मैं कलाबाजी कह रही हूँ। और इन्होंने पूरे गांव में ये ढोलक बजा दी है, जिससे कि सारे लोग एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाएं, मतलब मेरे द्वारे पे द्वारा काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएं, जिससे ये लोग अच्छे से अपना मैजिक जो है वो दिखा सकें। और ये देखिए कितनी लड़कियाँ भी आ गई हैं, और भीड़ इकट्ठा हो रही है थोड़ी बहुत। तो अभी देखिए, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लोग क्या करेंगे। तैयार हो जुआन लगाए तो जुआन देखी अकेला में पिड़ही पीछे कर रहा हूँ। ऐसे भैया अब तो कनेक दे रहा हूँ, देखो मुई बाबा हुआ। और ये देखिए इस बाल्टी में पानी है, हम सबने देखा था कि इसमें पानी है, और पता नहीं इन्होंने कैसे यहाँ पे ये बालू निकाल दिया है, ये देखिए। और जब ये सब ख़त्म हो गया था, मतलब कला वगैरह दिखाना इन्होंने ख़त्म कर दिया था, तो हम लोगों ने पूछा भी कि आपने बालू कैसे निकाली थी, तो इन्होंने बोला कि सब नटवीर बाबा की कृपा है, और इन्होंने बताया ही नहीं। और अभी जो है ना सारा गेम वगैरह, मतलब ये सब ख़त्म हो गया है, और इन्होंने ये कपड़ा डाल दिया है, और अब सारे लोग आके इनको पैसे देंगे, मतलब जिसका जितना मन करे वो दे सकता है। तो हमने भी सोचा कि यार इतना कुछ देखा है तो चलो कुछ दे देते हैं, तो हमने भी दे दिया है। और काफ़ी लेट भी हो रहे हैं हम लोग,
क्योंकि जाना भी है हम लोगों को। तो अभी इनका गेम वगैरह ये सब ख़त्म हो चुका है, तो अभी हम चलते हैं, क्योंकि बीच में यार गाड़ी निकालते तो अच्छा नहीं था, क्योंकि सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, फिर उनको हटना पड़ता, तो हम लोग इसीलिए वेट कर रहे थे कि कब इनका मतलब ये सब जो कार्यक्रम है वो ख़त्म हो और फिर हम लोग निकलें। और यहाँ देखिए आंटी जो है वो पूजा करने आ गई हैं। तो अभी थोड़ा सा और टाइम लगा था हम लोगों को, क्योंकि ये जो कपड़ा मतलब देख रहे हैं आप बिछा हुआ है, इस पे सारे लोग थोड़ा थोड़ा सा पैसा आके डालते हैं, मतलब जिसको जितना मन करता है तो वो उतना आके दे देता है। तो यहाँ सबने कुछ ना कुछ दिया था, और पापा ने भी एक स्वेटर दिया था, और आंटी ने एक स्वेटर दे दिया था क्योंकि इसमें एक छोटा बच्चा काम कर रहा था, तो उसको भी दे दिया था स्वेटर वगैरह। और उसके बाद यार हम तो यार यहाँ पर रुकने के लिए बहुत सारा सामान लेके आए थे, लेकिन बाबू ने बहुत परेशान किया है। और यार पहले जब हम किसी के बच्चों को ऐसे देखते थे यार इतना परेशान करते, तो मैं बोलती थी यार कैसा बच्चा है, कितना परेशान करा, कितना रोता है, लेकिन मुझे लगता है कभी किसी के बच्चे को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाबू ने उससे कई गुना ज़्यादा मुझे परेशान कर लिया इस बार, तो हमें जाना ही होगा अब। तो बस अब यहाँ का जो खेल वगैरह है वो ख़त्म हो गया है, और हम लोग भी इसी टाइम पे निकल लिए थे। और यार मॉर्निंग से ही हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा जल्दी निकलेंगे, क्योंकि बाबू इतना रो रहे हैं, पता चले इनकी तबीयत भी ख़राब हो जाए रोते रोते, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम बहुत जल्दी निकलेंगे, लेकिन एक बज गया और अभी हम लोग नहीं निकल पाए थे। तो बस उसी के 10-15 मिनट बाद हम भी निकल लिए, और ये देखिए बाबू कितने गुस्से में हैं, इतना रो रहे थे, और आंटी पैसे दे रही थी तो पैसे भी नहीं ले रहे थे, और बेचारी दादी कह रही थी कि सोचा था रुकोगी लेकिन अब रुक नहीं पा रही हो। तो वही होता है ना, माँ बाप अपने ही बच्चों से हार जाते हैं, तो हम बाबू से बिल्कुल हार चुके हैं। ये बिल्कुल भी मतलब अगर मैं सोचूं कि अगर दो एक दिन रुकें तो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं रुकेंगे मुझे पता है। और ये देखिए अब इनको आराम है, ये आराम से चले जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।